नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं इस खबर से। वन रक्षक के ऊपर रेत माफिया ने साथियों सहित किया हमला, घायल जिला अस्पताल रेफर। बड़ामलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंचनपुरी के पास अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़ने के दौरान रेत माफिया ने अपने दो साथियों के साथ वन रक्षक के ऊपर जामलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल वन रक्षक का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक तहसील व वन परिक्षेत्र में रेत माफियाओं द्वारा अवैध रेत का उत्खनन व व्यापार लंबे अर्जे से बदस्तूर जारी है। आज रात 8:15 बजे सड़वा बीट में पदस्थ वन रक्षक पप्पू चर्मकार 44 वर्षीय वन समिति श्रमिक जानकी यादव के साथ गश्त पर थे, तभी केंकाली निवासी परशोधन यादव अपने दो अन्य साथियों के साथ ट्रैक्टर में रेत भरकर दरगुआ की ओर सड़वा की तरफ जा रहा था, जिसे वन रक्षक ने कंचनपुरी के पास रोका तो परशोधन और उसके दो अन्य साथियों ने वन रक्षक के ऊपर फावड़ा कस्सी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वन रक्षक के सिर पर गंभीर चोट आ गई। घायल वन रक्षक को आनन फानन में वन विभाग के कर्मचारी घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ामलहरा ले गए, जहां घायल का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आज लगभग 9:15 बजे के आसपास रात में एक मरीज को CSC बड़ामलहरा लेके आया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका नाम पप्पू चम्रकार है, जो कि वन रक्षक है सड़वा में। उनके साथ किसी ने मारपीट की है, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जिला छतरपुर रेफर कर दिया गया। कौन